बुरे दौर में अच्छा आदमी क्या करे, ये सवाल है आपका, यही है ना। अच्छा आदमी काम बुराई करे, बुराई के जमाने में बुराई काम करना ही रहती है, ये भी नहीं। बुराई के मौके हो और ना करो तो ये नेकी। मैंने पहले बताया एक पूरा पैगंबर की एक जिंदगी पूरी की पूरी किसी एक नेकी में पैगंबरी है। जब बुराई का मौका है और आपने फरमाया जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज अल्लाह मुझे अल्लाह का मौका, जो चीज आती है कि आपको अल्लाह का शौक अगर हो अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जिसको शौक ना हो तो खौफ क्या है, शौक वाले को होता है। अगर कभी मफरनामा हो जाए तो फिर महबूब के नाराज होने का खौफ पैदा होता है। राजी होने का शौक हो तो अगर बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया उसकी बुला से घूम रहे या हमारे, जिस चीज का शौक हो उसके नाराज होने का खौफ हो सकता है। अगर आपको अल्लाह की रजा का शौक है तो फिर अल्लाह की नाराजगी का खौफ आ जाएगा। बात बड़ी शांति है इंसानों के साथ तल्लुकात दरअसल अल्लाह की रजा के लिए या अल्लाह की नाराजगी के लिए। तल्लुक तो इंसानों के साथ है, आपकी तमाम डीलिंग इंसानों के साथ है, यही आपकी इबादत है। आपके जिस वक्त हुकूकुल्लाह जिसे आप कह रहे हैं, हुकूकुल्लाह कह रहे हैं, दरअसल ये एक ही चीज है। कोई हुकूकुल्लाह नहीं है मगर हुकूकुल्लाह है। तो इबादत से तल्लुक नाराजगी अल्लाह की, वो कहता है तुमने अपनी माँ को नाराज किया, कहते मैं भी नाराज हूँ। तू अल्लाह है कि तू तो माँ है, तू अल्लाह है, नाराज हो गया। और किसी पैगंबर के साथ गुस्ताखी होगी अल्लाह तआला कहेगा मैं तेरा माल जाया करती हूँ। ये जी पैगंबर के साथ हुई है, आपके साथ नहीं हुई है। तो अल्लाह की इबादत करने वाला और पैगंबरों को न मानने वाला मैंने कहा था कहाँ पर है। अब बात समझाई कि अल्लाह के फैसले को नहीं मान रहा, अल्लाह के अमल को नहीं मान रहा। आप बात नहीं रहे कहते अल्लाह मैं तेरी इबादत मैंने पहले निकाल दी थी कि मैं आर्टिस्ट को मानता हूँ, पेंटर मेरा दोस्त है, पेंटिंग सारी खराब है, राजी करोगे तो ये शाहकार बनाने वाले इंसानों को बनाने वाला आप उसको मानने वाले हैं। इस दौर के अंदर से गुजारने वाला आपको इस दौर के हवाले से आपको नेकी पर निर्णय कर रहा है। अब आ जाए कि ये दौर तो बड़ा आसान है, जब बुराई होने ज्यादा समझो कि नेकी आसान होगी। मतलब कि नेक होना ही या इरादा ही आपका है। एक वक्त आता है कि खाली इरादा जो है ये पूरी ऊंचाई नेकी है। एक वक्त है कि बदी से बच के जाना जो है ये नेकी है। एक वक्त था पुराने जमाने में कि नेकी इबादत थी, जिहाद था, जज्बा था, चाबेदारियां थी और वाकया थे और कंपेरेटिव मुकाबला था ना, तो तेरी कदाई घाव घाव की कहे तुम्हारी हम रात को जाते रहे मुकाबला। अब तूने बुराई कितनी की है, ज्यादा हमने बुराई थोड़ी की है। इसलिए इंसानों से डीलिंग करते हो अगर आप खौफ खुदा रखते हो तो ये डीलिंग आप बेहतर होगी, और अगर आप जिला रखते हो खुदा पर तो फिर डीलिंग कितनी नेक भी करोगे तब भी करते जाओगे। आप आते में जाएगा, इसलिए इन इंसानों के साथ डील करना जो है यही नेकी, बुरे आदमी के साथ अच्छाई करना जो है ना ये भी एक वाकया है, अच्छा वाकया है। आपको बचा के ले जाना बड़ा वाकया है। आपको बात समझ आई, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ, तीन बड़ी अच्छी वाकया है, बाजार से गुजर जाओ। आपको बात समझ आ रही है, सबसे बड़ी जो है ना जहाज कहते नफ्स का जहाज जो है कि अल्लाह ताला के इस फैसले पर ये दुनिया यू है जैसे है, एज इट इज। दो चीजें होती हैं, एक होता है एज इट इज, एक होता है एज इट पार्ट टू, जैसे इसको होना चाहिए था जैसे है। पहले है को कबूल करो, आप कहो कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है जैसे हो रहा है उसी में मैं राजी हूं। क्या कहा, मैं राजी हूँ अल्लाह ताला तेरी इस कायनात में, इस कायनात की एक्टिविटी समेत मैं राजी हूँ। खैर शर नेक बद अच्छा बुरा रब्बना मा खलक तो हाजा बादला, ये बादल नहीं है ये हकीकत है, जो है सही है। तेरा तू और तेरा घर सही है, तू और तेरी दुनिया सही है, तू और तेरी कायनात सही है। आप आते हैं, अब आपने एक रास्ता चुन लिया इस कायनात में से, वो रास्ता है अपने पैगंबर की सुन के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह तो हर रास्ते का रास्ता है,
अब आपने ये रास्ता कह देना हजूर पाक की मदद नहीं, जैसे आप गुजरे आपकी मदद इसके बाद। अब ये अल्लाह की बात नहीं है, अल्लाह को आकाम बनाया हजूर पाक ने। अब बात बड़ी अजीब सी बात है ना, अल्लाह तो है ही अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में तुम आकाम सवार हो जाओ, फिर अल्लाह की मोहब्बत में हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता काबा क्या है, ब्राह्मण क्या है, शेख क्या है, ये क्या है, मस्जिद क्या, मंदिर क्या, हम अल्लाह की मोहब्बत में जा रहे हैं ना। अल्लाह की मोहब्बत को आकाम में तरतीब दिया, नमाज रोजा अज़्कार वाक़ियात और अदा अज़्कार। इसलिए आप किस शब्द को भी मानो, ये हुज़ूर ने बताया कि ये रास्ता जो है कुरान पाक समझ आए कि नहीं है, पढ़ना है, इसके अंदर वाक़ियात पैदा हो जाएंगे। तो गोया कि उस रास्ते को बगैर किसी जिले के कबूल करेंगे, जिस तरह ये अगर आप इधर और चलोगे ना, जो दुनिया में हो रहा है ये सारा वाक्य आपके अंदर हो रहा है, आपकी आधी जिंदगी बातें आपकी आधी जिंदगी आपकी दूसरी आधी जिंदगी के खिलाफ लड़ रही है। ये कहा ये सारी चीजें आपका अपना आपके अंदर जो एक्टिविटी है और बाकी हूं का तुम्हारे लिए क्या है, सवाल को समाप्त कर दिया। आप सवाल यहाँ पर जवाब के पहला काम, हर इंसान इस कायनात में आने वाला, इस कायनात से जाने वाला मखलूक है, मखलूक का मजबूर होना लाजमी है। एक नुक्ता खुद देख लेना बाद में, मखलूक है, खालक का मंशा इस पर नाफिज है। आपको बात समझ आ रही, खालक के मंशा को पहले गौर से वजह देख लो, खालक के मंशा का मतलब है कि तेरा होना और कितनी देर तक होना, जो कि अपनी मर्जी, तेरी सेहत की हिफाजत तुझे नहीं बचाएगी मौत से, कौन बचाएगा, जिंदगी के अंदर होना लिखा हुआ उसने, जब होने का मियाद खत्म हो जाए, अन होना हो जाता है, जान होनी हो जाती है, तो गोया के तेरा होना उसके फजल के अंदर फैसला शुदा बात, मजबूर है आप। एक मजबूरी समझ आ गई आपको, दूसरी मजबूरी देखो, तेरा इस शक्ल में ऐसे होना भी तेरी मजबूरी है, अपनी शक्ल से बाहर किसी और अच्छी शक्ल में जाने की खास मेहरबानी फरमाना नहीं होगा। आपको बात समझ आई, तीसरी बात, आपके गम आपकी खुशियों का होना और यूं होना ये भी मुकर्रर है, गम आपका अमल नहीं है, गम आपका सोच का अमल है, आपके तालब का अमल है, आपके मतलूक का अमल है। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर आपका पसंद करने वाला दोस्त आपको छोड़कर चला जाए तो गम आपका, अमल उसका है, दूसरे का अमल तेरा गम है, दूसरा जरा जो दुनिया से चला जाए तो तेरी दुनिया वैसे बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा गम जो है, तेरा गम जो है, ये बेचारे ह्यूमन बींग तेरे गिर पेश वाले मुकर्रर फरमाते रहते हैं तेरे लिए, क्या कहते हैं, तेरे लिए गम तेरा बुनते रहते हैं, ये खाजत कैसे नहीं कहना चाहिए क्या, मेहरबान है, तेरा गम बुनते हैं, तेरी खुशियां मुरतब करते हैं, तेरे सफर को खत्म करते हैं, कभी कभी तेरा बोझ भी कम है, ये तेरी मजबूरी है। आपको बात समझे, तेरा होना कब से होना, कब तक होना मुकर्रर, तेरा गम में होना मुकर्रर, तेरी खुशी में होना मुकर्रर। अब एक यहाँ पर मकाम आया, और से देखो कि नेकी भी तेरा अमल कभी कभी नहीं है, तेरी बात समझ आई, हालांकि नेकी अगर हमारी नेकी है नेकी अपनी काली, नेकी का रास्ता भी तेरे सफर में अचानक आ जाता है, चल रहे थे अचानक रास्ते में ऐसा वाक्य होगा पीछे पर चला कि वो तो नेकी थी। एक आदमी था कैसा हुआ, एक आदमी नशे में शराब को भी होश जा रहा है और रास्ते में कहीं उसको कागज का पुर्जा मिला, देखा कागज को लिखा हुआ अल्लाह, उन्होंने उसको उठाया, वो बेचारा गुनागार, एक आते गुना भी था घर का आलम था, उठाया उसको रखा कुछ लगा किसी दीवार में जाती, तो मतलब तमाम उस वक्त जो औलिया ग्राम सबको इलाज हो गया कि ये आदमी हमने अपना दोस्त बना लिया,
और सारे और यार वक्त के पास गया, इस्लाम मुबारक, इस्लाम का तक है कि मुबारक का है, तो इस्लाम का है तुम प्रमोट हो गए, तुम एलिवेट हो गए, कैटी बना दिए गए, क्या हुआ? कहे बस तुम्हें अल्लाह तला का ये फैसला है, तुम देखने आ गए, तुम बताओ तुम्हारी इबादत क्या है? देखो मैं तो जिम्मेदार हूँ, इबादत मेरी क्या है? ये एक वाक्य हुआ रात में कहा और पूछा लगाया और तुम्हें जिंदगी में है ही कोई नहीं। कहे फिर अल्लाह ने यह फैसला किया कि तूने मेरे नाम को खुशबू और घर बनाया, मैं तेरे नाम की खुशबू ला दिया, तुम हमारा जिक्र करो हम तुम्हारा जिक्र करेंगे, तुम मेरे नाम का हम तुम्हारे नाम की इज्जत देंगे। जिन लोगों ने अल्लाह की याद में अल्लाह के नाम को अपने दौर में कमाया, आज उनका नाम जो है उतना ही मुकद्दस है, हालांकि नहीं है अल्लाह का नाम लेते ना दादा साहब को भी जाएंगे कुरान छिपा रहे हैं, लेकिन दादा साहब जाते पड़े ईद मिलाद नबी डायरेक्टली नाम से तुम जू गए, यही है ना लॉर्ड का जू खत्म कहा होगा दादा साहब जाए है जू से मिलाद नबी का, तो कोई ना कोई वाक्य जिसमें कहा है ना फिर से ये एक वाक्य बन जाता है जिसने उस मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, उसके जाने के बाद भी उस मोहब्बत की तासीर से उसकी जिंदगी लोगों में महबूब कर दी जाएगी। समझाया आपको आज ये मजबूरी है, मैं क्या कह रहा हूँ कभी कभी नेकी भी हुस्न इत्तेफाक है और कभी कभी बदी भी हुस्न इत्तेफाक है। अब किसी कहेंगे हमारा अमल क्या है, क्या जवाब है? दो तरीके अमल के, एक यह है कि कोशिश से जिंदगी बनाओ, अमल से जिंदगी बनती है जिंदगी बनाओ, लेकिन जिस चीज के साथ तुम कोशिश कर रहे हो दिमाग कवा दो चीज है ना, दिमाग और कवा ये दोनों मजबूरियां हैं, दिमाग खत्म हो जाता है यादाश्त खत्म हो जाती है कवा मुजमहल हो जाते हैं, तो गोया के आपका मेहनत इबादत के अंदर भी राज वक्त रहना हमेशा नहीं है, तो और बख्शे जाने वाले आदमी सारे हम इलाका भी नहीं होते, हम इलाका समझे सारे तजुर्बेदार नहीं होंगे, आप किसी से औलिया इकराम से पूछो जो अच्छे नेक लोग हुए जन्नत में जाने वाले से पूछो कि भाई क्या हुआ तुम कैसे आए यहाँ पर जन्नत में आ रहे हो, पूछो ना कभी, वो कोई तो ये कहेगा कि मैं जो इरादा सोचा था शुक्र है वो पूरा नहीं हुआ, जन्नत में आ गया, मैं उधर का रुख किया था, शिकस्ता इरादे जन्नत का बायस बन जाते हैं। और दोनों पर जाने वाले कभी नहीं कहते शिकस्ता हो, कहते मेरा गुनाह पूरा हो गया, पूरा इरादा जो है वो दोनों का बायस बन जाता है, हमने जो चाहा वो कर लिया, ये अंदेशा हो सकता है, अगर जो चाहा नहीं हुआ वो अंदेशा नहीं हो सकता, न होना अंदेशा नहीं है, होना अंदेशा है, इसलिए नेकी जो है ये सिर्फ करने का नाम नहीं है, नेकी बार बार न करने का नाम भी है, क्योंकि जब हम करेंगे कुछ बदी करेंगे, कुछ फिक्र ही पैदा करेंगे, गुमराही पैदा करेंगे। अच्छा एक आदमी है कोई उसको हम आ जाए फर्ज करो, अगर वो कहे अल्लाह की रजा के तौर पर यार बुला ली मैं जाती हूँ तेरे को बताया बड़े तो भी खुशी को उसकी रजा में धीमा रखो, वायलेंट ना हो जाओ, तेज ना हो जाओ, ये भी अल्लाह का मेहरबानी है, अपने आप को लोगों के लिए बेजरर कर दो ये इबादत है, बेजरर के बाद तेरी रात के तरीके पहुंचे, अपने आप को लोगों के लिए मनपद बस कर दो ये तेरी देखी है, लोगों के लिए फायदेमंद कर दे, छोटी सी जिंदगी में चार साल साठ साल जिंदगी में आप कितनी नेकी कर रहे, तो गोया के अल्लाह की रजा एक काम होता है सिर्फ, तो राजी होना ही है ना, एक काम में राजी हो सकता है और किसी एक गलती में नाराज हो सकता है, तो दुआ ये किया करो कि वो काम जिससे वो राजी होता है वो काम आपकी समझ आएगी, और कौन सी बात से वो नाराज होने का इम्कान है वो बात आपकी संगत में हो, बाकी तो माफी है। तो मुसलमान होने का आपको फायदा होना चाहिए कि जैसे मैंने पहले बताया कि एक शख्स जो है 70 साल कुफर ले रहा हो, इधर आओ कुफर में 70 साल, एक कलमा पढ़ने से वो ईमान में दाखिल होकर जुम्मे में दाखिल हो सकता है, एक कलमा। अब ये जो है ना आगे आपके मुबल्लिगीन का काम था कि आप कलमा पढ़ने पढ़ने के बावजूद पढ़ते पढ़ते थक गए और अभी तक आपकी जुम्मे की खबर नहीं हुई, यानी कि जन्नत तो आपको क्लियर है, वाजिया की ये जिंदगी में शऊर ज़ाते हक करना था वो नहीं किया,
जिन्नत में तो ब्राह्मण को नहीं, तौबा कर लो ना, आप सारे बैठे हुए दास महाराज जी से बैठे हो, यार रब्बुल आलमीन हम अपने सारे अमाल से तौबा करते हैं, माफी दे दे, चलो जन्नत होगी। फिर हम क्योंकि बराबर हो गए, जीरो हो गए, अब हम कलमा पढ़ते हैं तेरा तेरे नबी का ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुसलमान हो गए, अब हम मर भी जाते अभी जन्नत में जाते, जन्नत के तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हम रोज करते जाओ तो रोज जन्नत क्लियर है। बात ये थी कि मन का ना आमा की हाजी पवा आमा फिल आखिरा, जो यहाँ अंधा है वो आखिर में भी अंधा है, देखना था यहाँ पर तेरा मत, तो गया कि यहाँ आपकी मजबूरी, पैदाइश मजबूरी, मौत मजबूरी, जिंदगी मजबूरी, और फिर आपका नेकी बदी भी बाद बाद मजबूरी। अब मसला क्या हुआ, मसला इतना सारा है कि अगर जिंदगी से गिला निकाल दो अल्लाह का बंदों के सामने, क्या था अल्लाह का बंदों का अल्लाह के सामने दोनों, चलो इबादत शुरू होगी, क्या था बनाया उसी ने, उसी कह रहे हो वो जरूर गाली होगा तुम्हारा, अल्लाह ने क्या किया, तुम सब बारिश किया तो उसने बारिश नहीं, अंदाजा लगाओ बंदे से कह रहे अल्लाह का गिला, सुनने वाले संतों की अल्लाह का गिला ना करो बंदे के सामने, बंदे का गिला ना करो अल्लाह के सामने, अल्लाह की तारीफ बंदे के सामने करो, बंदों की तारीफ अल्लाह के सामने करो, तो क्या दुनिया बनाइए, क्या रोने बनाइए, और बहुत देखने को हमारी आंखें हैं और आंखों में पिनाई है और फिर आगे जलमों की रहनाई है, तुमने दिखाया है, चल तेरी मेहरबानी शुक्रिया, चार दिन के पहले दिखाया, आपकी जिंदगी तो गिले से भरी पड़ी है, गिला रंजोश, अभी तो आपने सरमाया क्या किया है कि यार तो मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा किया है, अभी मुश्किल क्यों नहीं आई, जमा करोगे तो मुश्किल आएगी ना, मत जमा किया करो मुश्किल वक्त के लिए, याद रखा करो, वरना इंसान जो मुश्किल वक्त के लिए पैसा जमा करता है ना फिर वो मुश्किल वक्त आ जाएगा, रेनी डे के लिए जमा किया ना, और मुश्किल वक्त भी उसी के आराम से जाएगा, आसान वक्त भी उसके साथ जाएगा, आपके साथ लंबी प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा होता है, पता कहां पर होता है, आप समझते हैं कि आप इन्वॉल्व हैं सारी वर्ल्ड में, हालांकि आपकी वर्ल्ड चार बंदों के साथ, एक घर है, एक और घर होगा किसी का जिनके साथ आपकी रिश्तेदारी हो, बस ये एक कुल कायनात है, आपकी कायनात इतनी है जितने इंसान इजाजत के फार्मूला, जितने इंसानों को आप नाम लेके पुकार सकते हैं वो आपकी, अस्सलाम क्या नाम है तेरा, नाम भूल गया, ये तेरी कायनात नहीं, आपने देखा था मत देखो, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, और ये नाम ज्यादा, नाम जिन लोगों को नाम से पुकारते हैं वो आपकी कायनात है, और आप बताओ आपकी कायनात में 1000 आदमी है, 1000 नाम याद है आपको चेहरे से देखकर, लो 1000 नाम नहीं याद, तो दुनिया के अंदर कितनी आबादी है, कई हजार, चलो मान लिया, ये सारे दुनिया जो है देखने की चीज है, इन्वॉल्वमेंट आपकी उन लोगों के साथ है जिनको आप नाम लेके पुकारते हो, उन्हीं में आपकी नेकी बदी है, कोई नेकी नहीं मगर इंसान के साथ, कोई बदी नहीं मगर इंसान के साथ, अल्लाह से भी आपकी नाराजगी किसी इंसान के अमल से है, वो बंदा राजी हो जाए तो आप अल्लाह पर राजी हो जाते हो, आप कैसे बेवकूफ आदमी, ये बंदा राजी हो जाते यार मैं तो इतना राजी हूँ, और कुछ ने मुझे जिस आदमी के इल्जाम है तो अल्लाह से मांगा इंसानों की इल्जाम, आप आ सकते यही आपकी मजबूरी है, यही आपकी कुल कायनात है और यही आपका असल है, चंद आदमियों की रजा आपको चाहिए, चंद आदमियों से बचना आपको चाहिए और चंद आदमी आप पर राजी रहे ये आपकी कुल ख्वाहिश होती है, तो चंद आदमी की जिंदगी आपकी जिंदगी है, इसमें लंबे हंगामी होंगी, बाकी दुनिया आपके साथ है, कुछ कमाई करते हो कुछ खर्च करते हो वो आपको चलता रहता है, अब कमाई न करो तब भी जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी ने अपने अंजाम तक पहुंचना है, आप बात कर रहे हैं तो जिंदगी को या अपना अमल बनाओ या उसका अमल रहने दो, मेरा मशवरा यह है कि जिंदगी को उसी का अमल रहने, वो जो चला रहा है वो बेहतर है, मेहनत की इस्तेदाद भी उसने देनी है, मेहनत को अंजाम भी उसने देना है, और आपको सुकून भी उसने देना है और सुकून की ख्वाहिश भी उसने देनी है, अपना इरादा आपके दिल में डाल दे, अपनी तरफ तवज्जो या अपनी तरफ खपत डाल दे तो ये उसकी मेहरबानी है, तो अगर आपकी कोई नमाज कबूल हो जाए उसका क्या सबूत है कि किसी नमाज के बाद नई नमाज का मौका मिल जाए, तो यार रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है, ये दुआ किए करो, तेरा शुक्र है कि तूने हमें शुक्र करने वालों में बनाया, ये काम कहोगे जब शुक्र करने वाले हो जाओ, अल्लाह के हर फैसले पर शुक्र अदा करो, सब कुछ जिंदगी आसान हो जाती है,
गिला आपके अंदर जाना, ये आपके अंदर जिंदगी में गिला है। बात जा रही है? अब मैंने वो जो सवाल किया था कि आपकी आधी जिंदगी, आपकी आधी जिंदगी के खिलाफ आधा अमल कराते हैं, बाकी का अमल उसको वाइप आउट करने में लग जाता है, मिटाने में। पहले बनाने में फिर मिटाने में, क्योंकि जो बनाया वो गलत बना, जो बनाया वो गलती था, अब उसको मिटा रहा हूँ मैं, मिटा रहा हूँ जो लिखा था मैंने, मिटा रहा हूँ। कितनी आसान सी बात है, ये आसान बात है। टोटल अचीवमेंट लाइफ की दुआ के बाद कि हमारी ख्वाहिश, अब आप किसी उम्र में आप जानते हैं ना, इस वक्त सबसे बड़ी दुआ आपकी ख्वाहिश क्या होगी, यार मिलाजिन मुझे मासूम, मासूम पैदा होना आपकी फितरी या व्यथा था, गोया के पैदा होने वाले बच्चा मासूमियत लेके आया और आज जिंदगी गुजारने के बाद बड़ी ख्वाहिश किया कि मैं वहीं तक ही पहुंच जाऊं जहां से मैंने शुरू किया था, यही बड़ी बात। लिहाजा दरमियान में जो किया वो गलत हो गया। तो अगर तुम अपने बचपन की सी मासूमियत को भी कायम रख लो तब भी तुम्हारी नहीं, जो किया गलत किया, बाद बात इबादत भी गलत की, रिया खारी थी, तो इसलिए अपने आप को अपने अमल से बचाओ। तो हमने अपने आप को खुद हलाक किया, क्या किया, बाहर से हलाकत नहीं आई है, हलाकत अपनी है, रिया की इबादत हलाकत है, तसन्नों की जिंदगी है, तसन्नों को मैंने समझते हैं आप पूरी का पूरा बनावट होती है, और क्या होता है, यानी कि पूरी की पूरी जिंदगी है ये हमारी आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है और मैकेनिकल है, ये ऑस्टेंटेशन है, ये नुमाइशी जिंदगी है, अलाशी जिंदगी है और मैशी जिंदगी है, ये आपकी जिंदगी वैसे ही गलत, लोगों को खुश करने के लिए जो कर रहे हो ये भी गलत, लोगों को दो काम छोड़ दो, मैंने पहले बताया था, वो काम जो लोगों को दिखाने के लिए करते हो छोड़ दो, क्या काम, और वो काम जो चाहते हो कि लोगों से छुपा रहे वो भी छोड़ दो, ये दो काम छोड़ दो तो जिंदगी बदल जाएगी, ये लोगों को पता ना चले इस बात का ये गलत है, ये छोड़ दो काम जिसे आप कहते हैं लोगों को पता ना चले, और जो लोगों को दिखाने के लिए इच्छा कर रहे हो वो भी छोड़ दो, तो फिर आप इतनी शान होगी, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ, अपने आप के साथ सच्चे हो जाओ, ऐसे ही अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह जो है वो तेरा तेरे साथ सुलह कराने वाली जात है, तू अपने आप पर राजी हो जाएगा जिससे तू अल्लाह पर राजी, अपने आप पर तू राजी नहीं, तू पता क्या राजी किसे नहीं कहते, समझ आ रही मेरी बात, मेरी तो समझ नहीं आ रही, जिस दिन तेरी जिंदगी में इस जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए तकाजे काम हो गए तू राजी हो गए, जिंदगी में ठीक है लेकिन मैं कहता हूं इसमें जरा ये तकाजा, जिंदगी में तकाजे काम कर दो अपनी जिंदगी को तकमील के लिए तो जिंदगी ठीक होगी, जिंदगी को इसमें तकाजे ना दो, इसमें से कुछ निकालने की ख्वाहिश ना करो, मुकम्मल जिंदगी है, ये निकल जाए ना जान छूट जाए से, ये भी गलती है, इसमें कुछ इजाफा करने की ख्वाहिश ना करो, तो ये है हकीकत, और बेनियाज की तारीफ भी यही है, क्या है, जिसमें न कुछ इजाफे की तमन्ना हो न तकलीफ की जरूरत हो, क्या कहा, तुम जिंदगी वो गुजारो कि जिसमें ना इजाफे की तमन्ना हो न तकलीफ की जरूरत हो, छोटी सी बात है कर लो, ताजी गुजार लो, उसमें इजाफा जो कुछ है ठीक है, और उसमें से कुछ निकालना ना पड़े कल को अल्लाह के सामने जब जाए तो ये देखो कि ये हिस्सा निकाल दो, यानी कि ऐसा मजमून लिखो कि एडिट ना करना पड़े, गांधी बात जरूर ठीक हो, आपको बात समझाई, ये आपके सवाल के जवाब हुआ कि आप अल्लाह पर घबरा दिए हैं, इस तरह बाकी जो वो कर रहा है दुनिया के साथ, हवा का बहता है, मौसम का बदलता है, मौसमों को कुए इंकलाब का सिखाता है, बीज को मिट्टी की तारीख में कैसे पालता है, क्या हो गंदम को बदले में बनाता है, ये उसका काम है, वो करता रहता है, आप इंसान हो मखलूक हो मजबूर हो, अपनी मजबूरियों के अंदर मजबूरी पैदा करने वाले को तस्लीम करो, आप आ गए आप सवाल करो ये मैंने बताया कि सवाल कहाँ पैदा करना है, सवाल जहां पैदा करना, आप इस सफर के दौरान इस सफर में कितनी दिक्कत महसूस होते हैं,